अस्सलाम वालेकुम, नुमान फारूक CLI डिजिटल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। आज की जो हमारी वीडियो है वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज पर पीरियोडिक सिस्टम, और मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग करवा सकूं और आसान ट्रिक्स के साथ किस तरह से इसे सॉल्व करना है एग्जाम में, किस तरह प्रेजेंटेशन करनी है ये बता सकूँ। और इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट भी बेहतर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम का फर्क आपको पता होना चाहिए। परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री की जो काउंटिंग है वो कंटिन्यूस बेसिस पे कर रहा होता है, इन्वेंट्री को एसेट समझता है, हम इन्वेंट्री को एसेट लेकर चल रहे होते हैं। और पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री की काउंटिंग एट द एंड ऑफ पीरियड होती है, और यहाँ पे इन्वेंट्री को हम एक्सपेंस समझते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम के डिफरेंसेस और किस तरह से एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं वो बता दूंगा। हाँ, अलबत्ता जो कैलकुलेशन है परपेचुअल सिस्टम की, उसकी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, एक मर्तबा जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको परपेचुअल सिस्टम भी बेहतर आ जाए और आज की वीडियो में आपको पीरियोडिक सिस्टम भी आ जाए। स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट ब्रीफ। CLI डिजिटल अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को क्वालिटी बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करने की पूरी कोशिश करवाते हैं, जिससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है बल्कि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, खास करके अकाउंटिंग हो गई, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो सीख सकता है। और यही चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद रहती हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सवाल आज का। ये एक सवाल है आपके सामने, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज का डेटा है और ये सेल का डेटा है। आपसे कहा जा रहा है सवाल में कि पीरियोडिक सिस्टम के मुताबिक बताएं एंडिंग यूनिट्स की वैल्यूएशन, फीफो मेथड के हिसाब से भी बताएं, लीफो के हिसाब से भी बताएं और एवरेज के हिसाब से भी बताएं, मतलब तीनों मेथड, और साथ ही साथ इसका इनकम स्टेटमेंट भी बनाएं। ये एक सवाल आता है प्रॉपर तरीके से, तो मैं सॉल्व करूंगा। मैं तीनों के मेथड के मुताबिक एंडिंग यूनिट्स की वैल्यूएशन और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो भी सिखा दूंगा। तो जब भी आपको पीरियोडिक सिस्टम आए तो आप सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीकेकार ये है कि आप कॉस्ट ऑफ अवेलेबल फॉर सेल निकाल लिया करें। सबसे पहले पीरियोडिक सिस्टम देखें, अपनी कैलकुलेशन का स्टेप 1 आप ये कर लिया करें ताकि जो काम है आने वाला वो आसान हो जाए आपके लिए। अच्छा, अवेलेबल फॉर सेल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर हम ओपनिंग प्लस परचेज, बस ओपनिंग प्लस परचेजेस को कॉस्ट ऑफ अवेलेबल फॉर सेल कहा जाता है। तो अब ओपनिंग और परचेज का डेटा यहाँ पे डाल देते हैं हम, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना है, 3000 यूनिट 13 रुपए के हिसाब से, ये कॉपी किया, ये आ गया यहाँ पर, यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक और डेट आ जाएगी 1st January। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ जनवरी के महीने में हमने ये सब परचेज किए, ये सब हमारी परचेजेस है। ये सब हमारी परचेजेस है, इसको मैंने कॉपी किया और इसी तरह से पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, जो यूनिट्स आपके पास हैं उसकी कॉस्ट कितनी है। इस वक्त हमारे पास जनवरी में 40,500 यूनिट मौजूद है, ओपनिंग प्लस परचेज के 40,500 यूनिट अवेलेबल है हमारे पास, और जिसकी कॉस्ट कितनी है, 5,05,400 रुपये। अब निकालेंगे आप सेकेंड स्टेप पे एंडिंग यूनिट्स, कि आपके पास एंडिंग यूनिट्स कितने रह गए। मेरे पास अवेलेबल कितने यूनिट्स हैं, 40,500 यूनिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से मैंने सोल्ड कितने कर दिए। ये आपके पास सेल का डेटा है, 6,000 यूनिट, फिर 7,000 बेचे, फिर 5 और फिर 3.5, टोटल आपने कितने सोल्ड कर दिए, 21,500। तो आपके पास एंडिंग यूनिट्स कितने पर रह गए, 19,000। अब इस 19,000 एंडिंग यूनिट्स की वैल्यूएशन बतानी है, कैलकुलेशन फॉर एंडिंग यूनिट्स वैल्यूएशन फीफो के हिसाब से भी बतानी है, फिर लीफो के हिसाब से बतानी है और फिर एवरेज के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर
अक्सर एक स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, वो फीफो को कॉन्सेप्चुअल ये देख रहे होते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो यहाँ पे एंडिंग यूनिट्स की वैल्यूएशन के बजाय सेल दिखा देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो फाइनली इस चीज का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर ये क्या निकालने हैं आपको, जो बैलेंस यूनिट बच गए उसकी वैल्यूएशन दिखानी है। अब देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, कोशिश करना अच्छे से समझें। तो हमने ड्यूरिंग द मंथ कितने बेचे, 21,500 यूनिट सोल्ड कर दी। अब देखा जाए तो फीफो के हिसाब से कौन कौन सा स्टॉक चला गया होगा, 3,000 ये यूनिट चले गए होंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 5,000 ये भी चले गए होंगे, टोटल 21,000 बेचे ना, 3 और 5 8 हो गए, फिर 4,000 ये भी चले गए, 8 और 4 12, 7,000 ये भी चले गए, 12 और 7 19,000। अच्छा टोटल बेचे कितने, 21,500। अब 19,000 यहाँ तक हो गए, बाकी जो बचे आपके कितने बचे, 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, ये टोटल आपके 19,000 हो गए, और 2,500 यूनिट आपने यहाँ से सेल किए, ठीक है। अब आपके पास जो बच गए, अब गौर से देखना, ये ऊपर वाला तो चला गया, मुझे बैलेंस बताना है, 9,000 में से 2,500 यहाँ से गए थे, बैलेंस बच गया 6,500 यूनिट्स, 3,000 ये यूनिट वैसे के वैसे ही बच गए, 2,500 ये बच गए, जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है एंडिंग में ये वाला अवेलेबल है, ठीक है, 3,000 ये इनका रेट है और ये 13 रुपीज का रेट है। अब फीफो के हिसाब से जो यूनिट्स स्टॉक में अवेलेबल है एंडिंग यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखाना होता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट ये करते हैं कि वो सेल दिखा देते हैं, जो बेचे हैं वो दिखा देते हैं, बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो ये है। मेरे भाई आप एक बार फिर देखें आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो एंडिंग यूनिट्स बच गए ना उसकी वैल्यूएशन। तो ये तो यूनिट सोल्ड कर दिए आपने फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो चले गए वो छोड़ दें, जो रह गए वो आपको बता दें। बस ये वाली जो 12 तारीख की परचेज थी वो 9,000 में से 2,500 आपने सेल कर दिए, क्योंकि आपने टोटल बेचे कितने, 21,500। कौन कौन से बेचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रेकेट में, 3,000 एक बेचे, 5,000 एक बेचे, 4,000 एक सेल किए, 7,000 एक सेल किए और 2,500। टोटल आपने कितने सेल कर दिए, 21,500 ऐसे सेल किए, जो सेल कर दिए वो छोड़ देना और जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो आपने बता देना है। अब जरा आते हैं लीफो पर, फीफो खत्म हो गया यहाँ तक, अब जरा लीफो की बात की जाए, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ लीफो मेथड। अब लीफो क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपकी लास्ट की परचेज है आप सबसे पहले उसे सेल करेंगे। हम निकाल वही रहे, एंडिंग यूनिट की वैल्यूएशन निकाल लें अब लीफो के हिसाब से। अब लीफो के हिसाब से कौन से जाएंगे, देखें अब आपने बेचे कितने, 21,000, मैं आपको कौन वही आपके लीफो के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, 3,000 ये बेच दिए होंगे आपने जो बिक गए, 1,800 ये बेच दिए आपने, 2,200 ये बेच दिए, टोटल कितने हो गए, 7,000 हो गए, 2,500 ये बेचे तो 9,500, 3,000 आपने ये सेल किए अब आपके पास हो गए 12,500 और 9,000 ये सेल किए, ये टोटल मिला के 21,500, ये सारे यूनिट चले गए, ये 21,500 की पूरी कैलकुलेशन बन गई है, ये सब आपके लीफो के हिसाब से सोल्ड हो चुके हैं। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि कौन से सोल्ड किए, आपको ये बताना है कौन से बैलेंस रह गए। ये बच गया होगा आपके पास, ये 5,000 यूनिट बच गए बैलेंस में, 4,000 ये बच गए आपके पास और 7,000 ये बच गए, टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 19,000 ये यूनिट आपके लीफो के मुताबिक रह गए। अब इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं हम, ये इसका रेट आ गया और ये इसकी कैलकुलेशन आ गई, दैट्स इट, ये हो गया आपका फीफो, लीफो हो गया आपका, ये कि लीफो के हिसाब से जो वैल्यू यूनिट्स बचे हुए 19,000 उसकी वैल्यूएशन कितनी है, 2,46,000। अब जो थर्ड मेथड है वो है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा इसके मुताबिक आप इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स, अवेलेबल यूनिट्स, ये इसका फॉर्मूला है।
अब कॉस्ट ऑफ अवेलेबल कितनी है, 5,05,500 डिवाइडेड बाय जो यूनिट्स अवेलेबल है, इनसे डिवाइड कर दिया। मतलब आपने क्या किया, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपने ये किया 5,05,400 जो आपके पास अवेलेबल शुरू में आपने निकाला था उसको डिवाइड किया आपने 40,500 से, तो आपका रेट कितना आ गया, एवरेज रेट आ गया आपके पास 12 रुपए। अब इसको आप मल्टीप्लाई फॉर्मूले को और बड़ा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देना जितने यूनिट्स आपके एंडिंग यूनिट्स है, जो यूनिट्स आपके रिमेनिंग रह गए, अब 12 रुपए आ गए और आपके एंडिंग यूनिट्स कितने रह गए, 19,000 जो आपने निकाले थे, 19,000 एंडिंग यूनिट्स, क्योंकि हम एंडिंग यूनिट्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपके आ गए 19,000 एंडिंग यूनिट्स। अब आपके पास अमाउंट आ जाएगी दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये आपके पास अमाउंट आ गई एवरेज के मुताबिक। अब हम बनाने जा रहे हैं इसका इनकम स्टेटमेंट। अब जरा इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे मैं बनाता हूँ, कोशिश होगी कि यहाँ पे बन जाए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे निकलता है, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं हम परचेज को, परचेजेस को, और लेस करते हैं हम एंडिंग इन्वेंट्री को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं तीनों मेथड के साथ एक ही बारी में बना दूंगा, फीफो के हिसाब से भी, लीफो के हिसाब से भी, और वेटेड एवरेज के हिसाब से भी। सेल तो सब में सेम रहेगी, ये मेरा डेटा है, सेल की अमाउंट यहाँ से अगर एक साथ दी हुई है तो आप डायरेक्ट ले लेंगे, और अगर अलग अलग दी हुई है आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे पहले सेल की अमाउंट को, और फिर टोटल करके 4,33,500 रुपये आपकी सेल आ जाएगी। अच्छा, सबर इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ये आपकी आ गई सेल की अमाउंट, जो लीफो में भी और एवरेज में भी सेम रहेगी। अब हम आते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपने यहाँ पे निकाली हुई, ये भी देखें आप 39,000, ये भी तीनों में सेम रहेगी। परचेजेस भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए, सिर्फ परचेज की अमाउंट ले ली मैंने 4,66,400, या तो इसका एक और तरीका है, आप क्या करना, जो आपके पास अवेलेबल टोटल है उसमें से आप ओपनिंग को माइनस कर दो तो बाकी सारी परचेजेस है आपकी, ये आ गई आपकी परचेजेस, ठीक है। और एंडिंग कहां से लोगे, जो आपने फीफो के मुताबिक निकाला, ये फीफो की आ गई, यही फर्क है इनकम स्टेटमेंट का, जो फर्क है वो यही है, एंडिंग आ गई लीफो के हिसाब से, लीफो की एंडिंग आ गई 246,000, और एवरेज के हिसाब से जो एंडिंग आएगी वो एवरेज की आ जाएगी जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। ये तीनों की एंडिंग अलग अलग है, तो ये आपने बॉक्स बना देना है एग्जाम में ताकि एग्जामिनर समझ सके कि आपने किस तरह से कैलकुलेशन की है। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तीनों की अलग अलग आ जाएगी, इसकी आ जाएगी आपके पास 3,000 क्या किया, प्लस माइनस जो करना है हमें वही किया। अब मेरी सेल तो ये थी और कॉस्ट मेरी ये है, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तीनों का इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट, दैट्स इट, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे अपने तक नहीं रखिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, इंशाल्लाह दूसरों को भी फ़ायदा होगा, तो अल्लाह तआला ने चाहा तो हम सबका
भला होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह खैर।